नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। सर्वजन सुखाय सामाजिक संस्था ने नारी रत्न सम्मान समारोह का आयोजन उप तहसील फुनगा में किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बड़े बड़े ठाकुर ठकार अपने घर की महिलाओं को समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चलने नहीं देते हैं, बड़े बड़े लोग अपने घर की महिलाओं को कैद करके रखते हैं। उन्होंने कहा कि समानता लाना है तो उच्च जाति की महिलाओं को भी घर से खींचकर निकालो। मंत्री पहले भी कांग्रेस प्रत्याशी रहे विश्वनाथ सिंह कुंजाम की पत्नी पर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं, जिस पर चुनाव आयोग ने बीजेपी से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था। अनूपपुर जिले के मंत्री बिसाहूलाल सिंह के द्वारा महिलाओं के अपमान में जो भी शब्द कहे गए हैं इतना शर्मनाक है, और शायद इस मंत्री को इतनी भी समझ नहीं है, इतनी भी सूझबूझ नहीं है कि जहां सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, उस तरफ उसी सरकार के मंत्री के द्वारा इस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया जा रहा है। ये सिर्फ उस मंत्री के लिए ही नहीं अपितु पूरे अनूपपुर जिले के लिए, पूरे प्रदेश के लिए शर्मनाक बात है। ये कल 25/11/2021 माननीय मंत्री महोदय बिसाहूलाल सिंह द्वारा अनूपपुर जिले के फुनगा स्थित एक महिलाओं से संबंधित सार्वजनिक मंच में, जिसमें महिलाओं को सम्मान कर रहे थे, उस मंच में सार्वजनिक रूप से माननीय मंत्री महोदय बिसाहूलाल सिंह द्वारा महिलाओं का सम्मान करते हुए ये कहा गया कि जितने बड़े बड़े ठाकुर ठकार छत्री घराने की महिलाएं हैं और भी जितने बड़े लोग उनके बड़े घरों की महिलाएं हैं, सर्व सवर्ण समाज की महिलाएं हैं, उनको पकड़ पकड़ करके बाहर निकालो और उनसे काम करवाओ। उनका ये आशय था, उनको जबरन पकड़ पकड़ के बाहर निकालो और उनसे काम करवाओ, तब समानता आएगी। हम मंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं, मध्य प्रदेश शासन से पूछना चाहते हैं कि समानता लाने का ये कौन सा पैमाना है, समानता लाने की कौन सी धुरी है? क्या महिलाओं को पकड़कर जबरन पकड़कर बाहर लाने से समानता आएगी? 97% लोग उसी पार्टी के विचारधारा के लोग हैं जो लोग कल झंडा लेके इस नेता के लिए अनूपपुर की गली गली में घूमे थे, इस पार्टी के लिए, इस नेता के लिए। लेकिन आज बड़ा इसे कैसा बुरा वक्त कहा जाएगा कि वही व्यक्ति उसी विचारधारा के लिए, जिस विचारधारा के लोगों ने उसको खड़ा किया, उनकी महिलाओं और बहनों के लिए। ये कोई केवल सवर्ण समाज का मामला नहीं है ये समाज। मैं तो सभी से अपील करूंगा कि आगे आने वाले समय में किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोगों के ईश्वर आस्था या महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी की जाए तो सभी समाज और धर्म के लोगों को साथ आना चाहिए, ताकि राजनीतिक शॉर्ट, ऐसे गंदे शॉर्टकट से राजनीति के शिखर पर पहुंचने वालों का विनाश किया जा सके। आज कल महिलाओं के बीच बैठ करके इसी नेता ने महिलाओं को घर से बाहर खींचने के लिए, जी हाँ, निकलने के लिए, बड़ी अच्छी शब्दावली हो सकती थी कि महिलाओं से अपील करता हूँ वो भी बाहर आए, लेकिन ऐसी किसी भी शब्दावली का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि किया गया उनको खींच कर बाहर लाना चाहिए, उनसे काम करवाना चाहिए। तो इस तरह की प्रवृत्ति ने आज विवश कर दिया है हम लोगों को कि ऐसी किसी विचारधारा के साथ तब तक खड़े नहीं होंगे जब तक ऐसे कुंठित विचारधारा वाले नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ पार्टी कड़ा निर्णय नहीं लेती है।